नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी मिथुन राशि यानी जेमिनाई के बारे में, कैसा रहने वाला है आने वाला समय मिथुन राशि वाले लोगों का। दोस्तों, मिथुन राशि वाले लोग बड़े खास होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं, इतने अलग होते हैं कि भीड़ में भी बड़ी आसानी से दिख जाते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जब बात फैसले लेने की आती है तो ये लोग थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। फैसले लेने में जल्दबाजी नहीं करते, काफी सोच समझ कर फैसले लेते हैं। तो ये जानते हैं कैसा रहेगा सितंबर का ये महीना मिथुन राशि वाले लोगों का। दोस्तों, ये जनरल एनालिसिस है मिथुन राशि वाले लोगों की। आपकी महादशा और आपकी चार्ट में ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पर इसमें अंतर भी हो सकता है। दोस्तों, मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध देव। बुध देव इस महीने की 23 तारीख को अपनी ही राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ वो बनाएंगे भद्र नाम का राजयोग। भद्र पंच महापुरुष राजयोगों में से एक योग है, जो कि बहुत ही बड़ा राजयोग होता है, और जब ये राजयोग बनता है तो मिथुन राशि वाले लोगों को काफी फायदा होता है। तो ये महीना इतना खास है कि आपकी राशि के तीन योग कारक ग्रह और तीनों ग्रह अपने अपने घरों में रहेंगे, यानी बुध कन्या राशि में रहेंगे, शुक्र 18 सितंबर से अपनी राशि तुला राशि में आपके त्रिकोण भाव में रहेंगे, शनि पहले से ही विराजमान है आपके भाग्य स्थान पे यानी आपके नवम भाव में। हालांकि शनि अभी वक्र हो रखे हैं, लेकिन आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और अभी वो आपके भाग्य भाव में ही विराजमान है। दोस्तों, ऐसा समय 30 सालों के बाद आया है जब आपकी राशि के तीनों योग कारक ग्रह अपनी अपनी राशियों में है और आपके त्रिकोण और केंद्र भाव में अभी विराजमान रहेंगे। दोस्तों, ये समय 30 सालों के बाद आया है और ऐसा समय फिर से 30 सालों के बाद ही आएगा, यानी ये जो राजयोग आपकी राशि के लिए इस वक्त इस महीने सितंबर के महीने में बन रहा है, ऐसा राजयोग फिर से अब 30 सालों के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि अपनी राशि कुंभ राशि में है और शनि को वापस से कुंभ राशि में आने के लिए 30 सालों का समय लग जाएगा। क्या परिणाम देंगे ये तीनों ग्रह मिलकर आपकी राशि वाले लोगों को, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी जो छोटी मोटी परेशानियां आपकी चल भी रही थी वो भी अब दूर हो जाएंगी। आपके घर में भी अगर कोई बीमार व्यक्ति था तो उसके ठीक होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, गोल्डन पीरियड है आपका। आपके पांचवें भाव के स्वामी पांचवें भाव में ही रहेंगे 18 सितंबर से, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मन लगाकर पढ़िए, आप जैसा रिजल्ट चाहेंगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। जिन विद्यार्थियों का भटकाव हो चुका था उनका रुझान अब शिक्षा की तरफ बढ़ेगा और विद्यार्थी अब मन लगाकर पढ़ सकेंगे, और अगर किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से आप इस महीने वो कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं और बिना मेहनत के शनि देव कुछ भी नहीं देते। अब बात करते हैं आपके नौकरी और व्यापार की। दोस्तों, इस वक्त आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिल रहा है, हालांकि शनि अभी वक्री है जो कि 16 नवंबर के बाद से अपनी सीधी चाल चलनी शुरू कर देंगे, लेकिन बावजूद उसके आपकी नौकरी और व्यापार के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। इस समय का पूरा पूरा सदुपयोग करें, आपकी अच्छी नौकरी लग सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, शायद ये प्रमोशन इतना बड़ा हो जितना आपने सोचा भी ना हो। साथ ही साथ जिन लोगों की नौकरी चली गई थी उनको भी बहुत अच्छी नौकरी मिलने के पूरे पूरे योग हैं। व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा है, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं आप। व्यापार में आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, जो डील आपके हाथ से अभी तक निकल गई थी वो डील आपको वापस मिल सकती है, या फिर हो सकता है आपको उससे बड़ी डील मिल जाए। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दें और हो सकता है ये प्रोजेक्ट आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो, आपको इससे ऐसा मुनाफा हो जो अभी तक आपको कभी भी ना हुआ। दोस्तों, ये समय सपनों को पूरा करने का है। ये जो समय है आपका सितंबर का महीने का, इस समय में आप देखेंगे कि आपने अभी तक जितने भी ख्वाब देखे थे, जितने भी सपने देखे थे, जिन ऊंचाइयों को छूने की आप सोच रखते थे, वो ऊंचाइयां आप छू लेंगे। दोस्तों, शुक्र आपके पांचवें भाव में बैठकर
आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके व्यापार के लिए भी बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। आपको इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़े बड़े फायदे हो सकते हैं। जो व्यापारी विदेशों से व्यापार करते हैं या व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। आप विदेशों से व्यापार करना चाहते हैं तो ये समय ऐसा है कि आपको विदेश से, आपको विदेशी कंपनी से कोई डील मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। मिथुन राशि वालों को विदेशों में नौकरी के ऑफर आ सकते हैं, फॉरेन कंट्री से आपको जॉब के ऑफर आ सकते हैं और ये जॉब के ऑफर आपको बहुत अच्छे पैकेज के साथ आ सकते हैं। तो नौकरी और व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप जैसा सोच रहे थे, आप जैसा चाह रहे थे, इस महीने आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। बात करते हैं मकान वाहन सुख सुविधा की, तो दोस्तों इस मामले में इस महीने आप सुपर लकी रहने वाले हैं, क्योंकि बुध अपने ही घर में आ रहे हैं। बुध आपके सुख भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी अपने ही घर में, चौथे घर में आ रहे हैं 23 सितंबर को। बुध आपकी राशि के भी स्वामी हैं, तो यहाँ जब बुध देव आएंगे तो आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, साथ ही साथ आप मकान बना सकते हैं और ये मकान काफी खूबसूरत होगा, काफी बड़ा होगा। आप कोई नया फ्लैट ले सकते हैं। जमीन जायदाद के मामले में ये समय बहुत ही अच्छा है, नई जमीन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अगर आपका चल रहा था, उससे भी आप निकल जाएंगे और जो फैसला होगा वो आपके हक में, आपके फेवर में ही होगा। अब बात करें आपके लव लाइफ की, आपकी शादीशुदा जिंदगी की, तो पांचवा भाव आपके लव अफेयर्स का होता है और आपके पांचवें भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव इस महीने के 18 तारीख से आपके पांचवें भाव में ही रहेंगे। तो आपकी लव लाइफ के लिए भी ये गोल्डन पीरियड है। आपका प्रेमी जो आपको छोड़कर जा चुका था, वो आपके पास आएगा, माफी भी मांगेगा और फिर से पैचअप करेगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच के संबंध अच्छे हो सकते हैं, आप रोमांटिक डेट पे जा सकते हैं, आप काफी खुश रहेंगे, आपका पार्टनर आपका ध्यान रखेगा, आपकी केयर करेगा, आपकी परवाह करेगा। और जो लोग प्रेम विवाह करने का इंतजार कर रहे थे, प्रेम विवाह के लिए वेट कर रहे थे, अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी भी बात बन सकती है। तो लव मैरिज करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे थे, उनकी बात बन सकती है, उनके परिवार वाले उनकी बात मान सकते हैं और उनका जो प्रेम संबंध है वो विवाह में बदल सकता है। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो दोस्तों आपके सातवें भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव अभी आपके 12वें भाव में विराजमान, तो हो सकता है कि आपके स्पाउस को, आपके पति या पत्नी को काम के सिलसिले में दूसरी जगह पर जाना पड़े या फिर उनका ट्रांसफर वगैरह हो जाए, जिस वजह से आपके और उनके बीच में कुछ समय के लिए दूरियां आ जाए। आप दोनों के प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, आप दोनों के प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। इसके अलावा वो दंपति जिनके बीच में दरार आ चुकी थी, जिनके बीच में दूरियां बढ़ चुकी थी, जिनके बीच में प्रेम बिल्कुल भी खत्म हो चुका था, उनके संबंध भी अब सुधरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र आपके पांचवें भाव के यानी कि प्रेम भाव के स्वामी हैं और शुक्र पांचवें भाव में ही रहेंगे 18 सितंबर से। तो आपके और आपके स्पाउस के बीच में फिर से संबंध अच्छे हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं, दोनों एक दूसरे को समय देना शुरू करेंगे और धीरे धीरे जो कड़वाहट आपके बीच में आ गई थी उसकी ठीक होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। जो लोग विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे, उनका विवाह तय हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपका विवाह किसी दूर जगह पे तय हो, विदेश में तय हो, या फिर आपका जन्म जहां हुआ है उससे काफी दूर आपका विवाह तय हो सकता है। कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए इस महीने, दोस्तों मंगल आपके छठे घर के स्वामी है, मंगल अभी आपके पहले ही भाव में विराजमान है और यहाँ पर वो 20 अक्टूबर तक रहेंगे। तो आप में क्रोध की अधिकता हो सकता है कि आप ज्यादा क्रोध करने लगे, जिस वजह से आप अपने बनते काम बिगाड़ लें। अलावा आपका आपके भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, छोटे भाई बहनों से आपका किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो सकता है, आपकी बहस हो सकती है, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ ऐसे शत्रु जो घात लगाए हुए हो वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, कुछ छिपे हुए शत्रु निकल कर आएंगे जो आपको परेशान करने की
कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है, आपको क्रोध नहीं करना है, आपको अपने डिस्प्यूट्स को समझदारी से निपटाना है, क्योंकि इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप क्रोध करेंगे, आप समझदारी से काम नहीं लेंगे, तो आप अपने बनते काम भी बिगाड़ लेंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए दोस्तों। वैसे तो ये महीना आपका बहुत अच्छा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी किस्मत की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके जीवन में परेशानियां आती हैं या आपको किसी तरह की दिक्कत होती है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं दोस्तों। आप शुक्रवार के दिन सफेद फूल माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाइए, माता लक्ष्मी के चरणों में सफेद फूल चढ़ाइए और छोटी कन्याओं को मीठा भोजन करवाइए, यानी आप खीर वगैरह खिलाइए शुक्रवार के दिन, तो आपके जो काम है वो बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपने घर की स्त्रियों को, अपनी माता को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को सम्मान दें दोस्तों, उनका ध्यान रखें, उनको जरूरत की चीजें ला कर दें, जिससे आपका शुक्र भी अच्छा होगा और बुध भी अच्छा होगा। और जब ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो आपके सारे काम यूं ही बन जाएंगे। तो ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है। इसके अलावा आप कबूतरों को दाना डालते भी आपके बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मिथुन राशि वाले लोगों की सितंबर के महीने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।